हाय गाइस, नमस्ते। आज आपके लिए मैं आलू पराठा लेके आई हूँ, तो चलिए देखते हैं। मैंने आलू को पहले से उबाल के रख दिया है, तो इसमें जाएगा जो भी सामग्री, वो है गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, हरा धनिया, और थोड़ा सा प्याज। तो चलिए इसे अच्छे से मिलाते हैं। यह अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं किया है, क्योंकि इसका टेस्ट अलग आता है। अब थोड़ा इसमें नमक स्वाद के लिए, इसे भी मिलाएंगे अच्छे से। और मैंने पहले से आटे को रेडी रख दिया है, तो चलिए पराठा बनाते हैं। देखिए, आटे को थोड़ा इस तरह स्प्रेड करके इसमें आलू का स्टफ भर देंगे। अभी इसे इस तरह से क्लोज कर लेंगे। अब ये बेलने के लिए बिल्कुल रेडी, ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेक लेंगे। इसे आप ऑयल लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं और घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मक्खन लगाने से थोड़ा टेस्ट ज़्यादा आएगा, तो मैं यहाँ पे मक्खन लगा रही हूँ। इसे दोनों तरफ सेक लेंगे अच्छे से। पराठा सेक के रेडी है। गर्मा गर्म आलू पराठा बनके बिल्कुल रेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।